जी बताइए। मैडम जी, पिछले 2 महीने से मेरे पापा की पेंशन नहीं आई है। बहुत बार फोन कर चुका हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। अभी नए मैनेजर आने वाले हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैम और कितना लेट होगा? लगभग 1 महीना और। 1 महीना? मैडम पेंशन आने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। देखिए सरकारी काम है, इतना टाइम तो लगेगा ही। और वैसे भी अगर आपको जल्दी काम कराना है तो एक रास्ता और है। क्या रास्ता मैडम? यही, थोड़े पैसे लगेंगे। पैसे? मैडम आप मुझसे रिश्वत मांग रही हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों आपसे रिश्वत मांगूंगी। यकीन मानिए ये सारे पैसे आपके काम में ही लगेंगे। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं जाएगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो मैडम कितना रुपया लगेगा? लगभग 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? मैडम जी तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देख लीजिए, वैसे भी मैं आपके काम के लिए इधर उधर जाऊंगी, आपके कागज अप्रूव कराऊंगी, तो इतना खर्चा तो लगेगा ही ना। ठीक है मैडम, मैं पैसे लेकर आता हूँ, पर मैडम मेरा काम जल्दी कर देना। हाँ आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप पैसे ले आइए। ठीक है मैडम। मैडम जी आप तो कह रहे थे कि पेंशन कुछ दिनों में आ जाएगी, वो तो अभी तक नहीं आई। अच्छा हुआ आप आ गए, बस आप ही का काम करा रही थी, लगभग काम हो ही गया, बस 5,000 रुपये और लगे। 5,000? पर क्यों मैडम? पेपर वर्क है, पैसा तो लगता ही है ना, और बड़े ऑफिसर है ना, उन्हें भी तो थोड़ा खर्चा पानी देना होता है। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूँ? मैडम जी देखिए, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके इलाज में सारे पैसे लग रहे हैं, तभी तो मैं पेंशन के लिए बार बार चक्कर काट रहा हूँ, और आप है कि हर बार पैसे मांगती हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सोच लीजिए पेंशन चाहिए या नहीं। चाहिए मैडम जी, चाहिए, मैं पैसे लेकर आऊँ। ठीक है पैसे ले आइए, काम हो जाएगा। मैडम जी मैं इतने दिनों से यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ लेकिन मेरे पापा की पेंशन नहीं आई अभी तक। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, अगर ऊपर टाइम लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कोशिश कर रही हूँ, इसे आप कोशिश कहते हैं? ऐसा कीजिए मैडम, आप रहने दीजिए, मैंने आपको जो पैसे दिए थे ना, आप बस मुझे वो वापस कर दीजिए। कौन से पैसे? कौन से पैसे? 15,000 जो आपने मुझसे लिए थे। अच्छा वो 15,000 रुपये, वो तो मैंने काम पे खर्च कर दिए। अरे मैडम ऐसे कैसे खर्च हो गए, आपने तो काम किया भी नहीं। मैडम जी आप मेरे पैसे वापस दे दीजिए वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। ऐसा है तेरा ना बहुत हो, बहुत बोल लिया तूने, तेरे पापा की पेंशन ना मेरे पास ही है, अब तू लेके दिखा, पर तुझे तो मैं ना आगे की पेंशन भी नहीं दूंगी। मैडम जी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? अच्छा अब तू देखता जा मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता। सिक्योरिटी को भेजो ऊपर। मैडम जी आप ना मेरे साथ गलत कर रही हैं ये सब। इस आदमी को मेरे ऑफिस से अभी के अभी बाहर निकालो। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, क्या कह रही हूं मैं, इसे बाहर निकालो मेरे ऑफिस से। वो आपकी नहीं मेरी सुनेगा। क्यों सुनेगा वो तुम्हारी, हो कौन तुम? इस बैंक का नया मैनेजर मनोज सिंह। मासूम लोगों से पैसे लेकर इस तरह बेवकूफ बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। गलती? इसे गलती कहते हैं? पता नहीं कितने लोगों के साथ तुमने ये सब किया होगा, और इन्हीं कंप्लेंट्स की वजह से मैं बैंक ज्वाइन करने से पहले देखना चाहता था कि ये सब सच है या नहीं, और मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और जिसे तुम गलती कहती हो ना वो क्राइम है, क्राइम।
अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाना। सॉरी सर, आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, निकल जाइए यहाँ से। प्लीज सर, आप ऐसा मत कीजिए। आई सेड गेट आउट। जोर से बोलो हैप्पी डेटिंग।